पाकिस्तान को आज शिद्दत से बड़े डैम्स की जरूरत है। 50 साल हो गए हमारे मुल्क में कोई डैम नहीं बना, जबकि हालत यह है कि पाकिस्तान की जो पानी जखीरा करने की सलाहियत है वो इस वक्त सिर्फ एक महीने की है, जबकि अगर आप मिस्र पे की तरफ नजर दौड़ाएं तो वो 33 महीने उनकी जो है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। हमें हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल इयानत और मदद है, वज़ीर आज़म की रहनुमाई मौजूद है, मिनिस्टर वाटर की मुकम्मल मदद हमें हासिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में जो सेहरा है वो गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास तौर पर चलास के लोगों का है, जिसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। हमारी तरजीहात में आपकी तालीम है जिस पे हम 3 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं, हमारी तरजीहात में आपकी तवानाई है जिसके लिए पहले ही मैं आपको थोर से बिजली दे रहा हूँ, जिसमें थक का मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है और तांगीर वाला प्रोजेक्ट अगले 26 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। हमारी तरजीहात में आपका पानी है, हमारी तरजीहात में आपकी आबपाशी है, हमारी तरजीहात में आपकी आपनोशी है, जो सारी की सारी आपकी माशी और माशरती ज़िंदगी को बदल देगा। मुकामी लोगों और मुतासरीन की कुर्बानियों को सामने रखते हुए मजकूरा मनसूबे के CBM के तहत हुकूमत के इकदाम, खसूसन 78 अरब की खतीर रकम जिसका जनरल मुजमिल साहब ने अपने खताब में इरशाद किया है कि इंतहाई कदर करते हैं और आपका बे इंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। अब वफाकी हुकूमत और चेयरमैन वापडा की मुसलसल मेहनत और दिलचस्पी की वजह से दियामेर बाशा डैम पर बाकायदा काम का आगाज हो रहा है। आपके लिए प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कुछ शुरू कर दिए गए हैं, कुछ इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, और इंशाल्लाह जब ये 5 साल गुजरेंगे तो कारकर्दगी की बुनियाद पे आप लोग फैसला करना कि पहले 70 साल में आपके लिए क्या किया गया और आप इमरान खान साहब की क्यादत में आपके लिए क्या किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ की इस वजारत में 22 साल 44 साल या 66 साल में जो नहीं हो सका वो 22 महीने में अल्लाह की मेहरबानी से आपकी सुपरविजन गाइडेंस के अंदर हमने कर दिखाया। इसमें कमाल फेडरल मिनिस्टर का नहीं है, फेडरल मिनिस्टर की टीम का है। ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, जिसमें एक पैशनेट जबरदस्त किस्म के डायनामिक चेयरमैन वापडा, जिनको ऑपरेशन में भी चैन नहीं होता। एक दिन टांग के ऑपरेशन में आए, कराची आए हुए थे तो हम सिंध बैराज की मीटिंग कर रहे थे तो उठ के आ गए। मैं उनको कुछ और तो नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ने उनको वैसे नाम दिया, इज्जत दी, तरक्की दी। मैंने उनके लिए एक सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान का जो है उनकी कारकर्दगी के हिसाब से नॉमिनेट किया है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उसको आगे बढ़ाएं। सर, मैं ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहता हूं चेयरमैन वापडा, जिनकी जुनून की हद तक जो लगाव है इस प्रोजेक्ट से, और जो आगे भी इनका प्लान्स हैं, जो आगे हम डैम्स बनाना चाहते हैं, मैं आपको ख़ास तौर पे आज एक्नॉलेज करना चाहता हूं। आज ये देखें कि पाकिस्तान के पास अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है दरियाओं की, और फिर उसके बाद दरियाओं की जो रफ्तार है उसके ऊपर हम इतनी बिजली बना सकते थे अब तक। जब हमारी शुरू में जो असल तरक्की हुई पाकिस्तान में, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, सस्ती बिजली के ऊपर पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं कितने बाहर जा रहे हैं। जब आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में चला जाता है, यानी ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं कम अंदर आ रहे हैं, वो मुल्की माशी हालात उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। हमने इसकी बड़ा फैसला किया है, एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम
अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामीर बादशाह डैम इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जनरल मजम ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। और इंशाल्लाह जो अब हमारे प्लान्स हैं इसके बाद और डैम्स के पूरी बनाया हुआ हमने कि हर वक्फे के बाद हम अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। डैम बना तो पाकिस्तान आबाद होगा। पाकिस्तान आबाद हो गया तो हम आबाद है। हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट बनने से पहले हम झुंपड़ियों में रहते थे। इस प्रोजेक्ट की वजह से आज हम RCC मकानों में रहते हैं और इस्लामाबाद में ऐसी कोठियाँ हैं, ऐसे कोठियाँ हमने इसी गाँव के अंदर बनाए हुए हैं। इसमें जो तरक्की के समरात हैं वो डैम मुकम्मल होने के बाद नहीं, इस काम शुरू होने के साथ शुरू हो चुके हैं। वो कैसे? यहाँ पे देखें जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी से शुरू हो गए, अगले 2-3 साल तक तो 16,000 लोगों को यहाँ पे जॉब मिल रही है। यहीं पे इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के कोई 1600-1700 इंजीनियर ट्रेन कर रहे हैं। एक ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट है तो 600,000 टन से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। हमारे पास काफ़ी मिलियन टन्स की स्टील की रिक्वायरमेंट है और आपको खुशी होगी सुन के कि इस डैम की बदौलत कमोबेश 700 से 800 गाड़ियां रोज़ाना पाकिस्तान की रोड्स पे चलेंगी।